हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज बहुत सारे सवाल आए थे कि सर, हमने होटल मैनेजमेंट कर लिया है, हम चाहते हैं कि होटल्स की जॉब विदेश में, वो भी US में मिले, तो क्या कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ है कि होटल मैनेजमेंट के करने के बाद, या हमारे पास होटल मैनेजमेंट डिग्री है और हम 1 साल से काम करें लेकिन हमें विदेश जाने का सपना, वो भी US कंट्री में, तो कैसे जा सकते हैं। तो विदेश जाने का सपना रखते हो, विदेश जाने की सोच रहे हो, ये चैनल बिल्कुल सही है। अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ओमान, कतार, यहां तक की वैकेंसी दुबई वगैरह की मिलती रही। यहां पर जॉब वैकेंसी के साथ जॉब एजेंसीज की डिटेल मिलती रहती है। यूरोपियन कंट्रीज में पोलैंड, माल्टा, क्रोशिया, बुल्गेरिया, जहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम कर सकते हो, जनरल वर्कर में गार्डनिंग का काम कर सकते हो, लॉरी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कैब ड्राइवर, हाउस कीपिंग जॉब्स, होटल जॉब्स, पोल्ट्री फार्म की जॉब, जहां पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक आराम से आपको वर्क परमिट के साथ सैलरी मिल जाएगी। तो आपको उन एजेंसी से कॉन्टेक्ट करना, तो इस एजेंसी कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, विदेश जाने का सपना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर दो। अब बात करते हैं कि विदेश जाना है, वो भी US 1 साल के लिए, कैसे जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट की डिग्री है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपको वेजेस $18 से $20 के आसपास होने वाली, यानी अगर आप महीने के $5,000 आराम से कमा सकते हो। तो कैसे है, तो एक अपॉर्चुनिटीज बनाई गई है कि US में इंटर्नशिप करने के लिए 1 साल का वीज़ा मिलता है। वो जो इंटर्नशिप होती है वो चारों फील्ड में होती है, तो उसका आपके पास फ़ायदा बहुत होने वाला है। एक तो आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं, वहाँ से इंटर्नशिप करने के बाद आप क्रूज लाइन में जॉब ले सकते हैं। काफ़ी ऐसे बंदे देखें जो J1 इंटर्नशिप करके आए हैं, उसके बाद C1D वीज़ा अप्लाई करा है और आप क्रूज लाइन में जॉब कर रहे हैं। तो होटल मैनेजमेंट की अगर डिग्री है, आप US के लिए अप्लाई कर सकते हो J1 वीज़ा। जो अप्लाई कैसे करना है, जो जो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंसल्टेंसी है, वो J1 वीजा के लिए जगह जगह पर इंटरव्यूज लेती रहती है। तो जैसे फेयर माउंट अभी निकल रहा है, होटल पोजीशन है क्लूनरी की, $14 से $19 पर आवर है हायरिंग फॉर USA। अब देखो ऐसा होता है कि अगर आप US जाने का सपना रखते हैं और अगर आप किचन का एक्सपीरियंस, तो उसके खत्म होने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया भी 482 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो जो इंटरनेशनल के जो ऑफिस नंबर आ रहे हैं, आप इनसे फोन करके कॉल कर सकते हो, किस डेजिग्नेशन पर कब इंटरव्यू होने वाले हैं। ये हमेशा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली करते ही रहते हैं, बेंगलोर है, वाराणसी है, न्यू मुंबई, पुणे, तो आप जितने भी स्क्रीनशॉट पर नंबर आ रहे हैं आप उनसे कॉल कर सकते हैं, जो नियर बाय आपका पड़ता है। जैसे इनके सेमिनार वगैरह होते हैं आप अटेंड कर सकते हैं। क्या एजेंसीज फीस है, देखो ऐसा है, अगर आप 50 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं तो हो सकता है जो J1 की जो फीस है वो 8 से 10 लाख हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। मेरे पास भी 4 महीने का J1 समर एक्सचेंज प्रोग्राम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग 1 साल की इंटर्नशिप करें, उससे फायदा है कि आप 50-60 लाख रुपए आराम से कमा के ला सकते हो। तो जो जो इंटरनेशनल से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।